आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं अभी पीछे बैक स्टेज पर उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है योर स्टोरी के नाम से जहां पर बहुत सारे ऑन्टरप्रिन की स्टोरीज वहां पर उन्होंने कवर करी हुई है तो आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि योर स्टोरी की जो फाउंडर है उनकी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सो so, <laughs> प्लीज गेवर वेलकम टू दन ओनली श्रद्धा शर्मा प्लीज बहुत नर्वस हूँ संदीप बहुत डर लग रहा है मगर अच्छे हाथों में हूँ एंड ऑडियंस को देख के थोड़ा अब तसली हो रही है सब स्माइल कर रहे हैं स्माइल करते रहना आप बताएंगे आपने कब शुरू किया योर स्टोरी को या ये थॉट कहाँ से आया थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में प्लीज़ अगर आप शेयर कर सकें तो योर स्टोरी का थॉट अब मैं अब अभी बैठ के 2023 के जनवरी में अगर कहूँ शुरू तो हुआ था 2008 में मुंबई में शुरू किया था मगर अगर मुझे स्टोरी अभी बतानी है तो आई एम मैं बिहार से हूँ तो जब हम बिहार में ग्रो करते हैं और बलते बढ़ते हैं और ये मैंने कहा है बहुत बार तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा नाम श्रद्धा है हम कहते हैं हमारा नाम श्रद्धा है और हम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं और यही ऐसे करके मैं ग्रो की और जब दिल्ली में आई सेंट स्टीफन्स कॉलेज में तो सब मुझसे कहते थे कि श्रद्धा फिर से बताओ तुम कहाँ से हो तो मुझे लगता था सब मुझे बहुत क्यूट फाइंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं फिर से बताओ फिर थोड़ा टाइम लगा फिर पता चला कि एक्चुअली लोग मेरा मेरा मजाक मजाक मुझे कोई क्यूट नहीं फाइंड कर रहा था सब मेरा उड़ा रहे थे और आ, आ, कही ना कहीं कहीं ना ये हमेशा लगा कि हम जैसे बात करते हैं हम जो होते हैं हम जहां से आते हैं कितना ज्यादा जजमेंट है उसको लेकर एंड दैट वॉज समथिंग दैट स्टेड विथ मी ऑलवेज जो क्वेश्चन मेरे सवाल जो मेरे हमेशा जो मेरे दिमाग में रहता था कि, कि हम क्यों जज करते हैं किसी को कि वो उनके वो जहाँ से आते हैं हमारी कैपेबिलिटी और हम जो हर दिन अचीव करते हैं दैट इज़ अ स्टोरी एंड इट इज़ इट डिफाइंस अ स्टोरी और जब मैंने यो स्टोरी मीडिया में गई तो वहाँ पे भी वो दिखा क्योंकि मीडिया में इट इज़ ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ And, uh, जो सक्सेसफुल है बड़ा है उसकी स्टोरीज तो 2008 में मुझे लगा जो हमारे जैसे लोग हैं जिनके uh, माँ बाप शायद उतने रिच uh, नहीं है सक्सेसफुल नहीं है और uh, जो सेल्फ मेड है और इसीलिए 2008 में मैंने कहा हर इंसान जो खुद के बल बूते पे कुछ करना चाह रहा है जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है पैसा नहीं है उन सब की कहानी उनकी जुबानी सुनाएंगे और तब यो स्टोरी शुरू हुआ और आज एक डेढ़ लाख स्टोरी हमने किया है पिछले चौदह सालों में तो अगर 2008 की बात करी जाए जब आपने शुरू किया योर स्टोरी को क्या आपने मीडिया में कुछ जॉब किया था या क्या किया था मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी एज अ जर्नलिस्ट वेरी शॉर्ट एज अ जर्नलिस्ट बट ब्रांड फिर स्ट्रेटेजी और फिर जो लकली uh, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जो ओनर्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया उनके साथ uh, काम करने का uh, बहुत ही कम उम्र में फिर मैं सी एम बी सी में गई काफ़ी सीनियर रोल में और मैंने देखा समझा uh, कि क्या हो रहा है और क्या नहीं और फिर वहाँ से मैंने सोचा कि एक अपनी नई दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे मेरे जैसे लोगों को सबको आवाज़ देनी होगी और सबकी स्टोरी सुनानी होगी uh, बिना पैसा

मैडनेस होता है किसी चीज़ के लिए तो लोग आ जाते हैं उस समय मैं मुंबई में थी और मुझे याद है दो लड़कों ने आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट्स ने मुझे हेल्प किया था वेबसाइट बनाने में उनके साथ कॉलेज में बैठी थी उन्हें भी एंड यू नो दे आई थिंक दैट यंग पीपल मेक थिंग्स हैपन लोग क्यों आए आपकी वेबसाइट पे

वेरी बेस्ट अभी तुम करो हम आएंगे आएंगे <laughs> और कोई नहीं आया और मेरा दिल बहुत बहुत टूटा इनफैक्ट एक और संदीप एक स्टोरी है कि एक लड़की मुझे हेल्प करना चाह रही थी कि अच्छा तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है तो ये ऑन्टरप्रेनर है गेमिंग में मुंबई में अंधेरी में गेमिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अपना स्टोरी सुनाना चाहते हैं तुम आ जाओ तो मैं गई ट्रेन लिया पहुंची अंधेरी थर्ड uh, फ्लोर में आज मुझे याद है और मैं बैठी हुई थी और uh, वो सीईओ आया हाई माई नेम आई डोंट टू डोटा कहा योर <"Your> स्टोरी से <laughs> 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 बोला ये क्या स्टोरी है मैंने सोचा तुम सी एन बी सी से हो ये तुम योर स्टोरी से एंड देन वो जो लड़की जिसने इंटरव्यू सेट uh, किया था उसको कहा कैसे कैसे लोग को उठा के ले जाती हो आई डोंट इवन नो सामने ही बोलने हाँ लगे और मुझे लगा उस समय भर भर के रोना शुरू करूं मैंने कहा नहीं इस आदमी के सामने नहीं रोगी नहीं रोंगी क्योंकि वो बोला आई विल नॉट गिव इंटरव्यू टू समवन मैं ऐसे ऐसे किसी जिसको जानता नहीं मैं क्यों दू इंटरव्यू और मेरा दिल क्योंकि मेरा दिल था कि आवाज दो स्टोरी सुनाओ और ये और ऐसे मैं उस दिन थर्ड फ्लोर से चल के नीचे आई और पता नहीं आँख से आंसू आया और मैंने कहा एक दिन जो स्टोरी को बहुत बड़ा बनाऊंगी और दुनिया में जो भी हैं और यंग लोग हैं और जितने स्टार्टअप्स हैं और जितने लोग कुछ करना चाहते हैं सब इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे और uh, संदीप चौदह साल लगा है बट uh, आज बहुत मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर एंड बहुत चीज़ें हुई हैं जब मैंने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया जब मैंने रतन टाटा आज दुनिया भर के बहुत सारे और इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों सबको ऑलमोस्ट सारी आपके वहाँ पे कवर हो yeah, रखे हैं yeah. आज की डेट में आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन है अराउंड फोर्टी मिलियन डॉलर तो आप ये बताइए कि शुरू शुरू में जब आपने ये किया तो आपको इनिशियल जो ब्रेक थ्रू होता है यानी शुरू के जो पांच दस इंटरव्यूज हैं वो कैसे मिले वो आपने किन लोगों के करे और उस उसपे भी जब तक व्यूज नहीं आएंगे तब तक और लोग नहीं आएंगे आज अगर मुझे शुरू करना होता तो शायद काफ़ी आसान भी होता और टफ भी होता और वो मैं बताऊंगी क्योंकि 2008 में जब मैंने स्टोरी शुरू की जैसे यू नो एनी वन ईयर इफ आई टेल योर फर्स्ट स्टोरी तो मैं पहली प्लेटफॉर्म बन गई जब मैंने आपकी स्टोरी आपके जुबान में सुनाई तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में और हर जगह प्रमोट करने लगे तो वो ऑर्गेनिकली अभी जो इंग्लिश में कहेंगे नेटवर्क इफेक्ट काफी सही था क्योंकि पीपल बिकेम

कुछ स्टूडेंट्स की मदद से जहां पे कुछ समोसे लगे फिर उसके बाद में वो वेबसाइट बनाने के बाद में लोगों को कॉन्टेक्ट किया और वो स्टोरी सिंपल टेक्स्ट में होती थी कोई yes, कोई वीडियो नहीं नहीं, ऑडियो कुछ नहीं तो सिंपल टेक्स्ट यानी कि एक इंटरव्यू इंटरव्यू लिया एक वहाँ गए, एक फॉर्म में में वहां पे टेक्स्ट आ गई यानी कि वेबसाइट के ऊपर उनकी कहानी आ गई फोटोग्राफ्स राइट तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है आइडिया कितना सिंपल है जो हम सोचते हैं ना कि आइडिया 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 में क्या है सोचो एक वेबसाइट बनानी है वो आज की डेट में

आई विल सेलिब्रेट यू फॉर हु यू आर जो तुम्हारे अंदर अच्छाईय है वो दिखाऊंगी एंड वो चौदह साल तक कंसिस्टेंटली दिखाना इन मीडिया स्पेस विच इज नॉट पॉजिटिव इज ऑलवेज जजमेंटल वॉज टफेस्ट पार्ट ऑफ रनिंग दिस बिजनेस ये तो हो गया कि आपका आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ ये आई थिंक सबको क्लियर है ना कि इनका आइडिया स्प्रेड कैसे हुआ दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वायरल मार्केटिंग जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं वायरल मतलब क्या होता है कि जो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो जाए एडवर्टाइजिंग से आपको एक बार स्पाइक मिल सकता है लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो वापस से नीचे गिर जाएगा इन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करी नहीं सिर्फ एक वेबसाइट बनाई वहां से कुछ लोग आए उन्होंने आगे लोगों को बताया धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया धीरे धीरे वो फैलता चला गया और फैलते फैलते मिलियन ऑफ पीपल तक फैल गया आज की डेट में कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे दस मिलियन दस मिलियन पर मंथ और पर ईयर पर मंथ पर मंथ मिलियन मतलब एक करोड़ लोग यहां पर आते हैं इनकी वेबसाइट पे हर महीने विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर विच इज अ गुड नंबर पांच मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने न्यूज लेटर के लिए सब्सक्राइब किया हुआ yes. है, फाइव मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और टेन मिलियन यूजर्स हैं। तो अब समझते हैं कि इसको आपने मोनिटाइज कैसे किया ये तो हो गया शुरू में जहां से आपका प्रोडक्ट वायरल हुआ अब दूसरा चैलेंज आ जाता है यानी कि यहां से पैसा कैसे कमाया? पहली इट्स वर्थ इट बट आई एम थैंकफुल इंडिया माय स्टोरी क्योंकि मैंने चौदह साल से मेहनत करके एक प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस बनाया है तो आ, कैसे पैसा शुरू किया तो आइडिया तो बहुत रोमांटिकली कि सबकी कहानी सुनानी है दिल से है। दिमाग यूज़ ही नहीं किया फिर पता चला दिमाग नहीं यूज़ किया है क्योंकि पैसा कैसे बनेगा स्टोरी स्प्रेड हो रहे हैं सब कोई लव कर रहा है स्टोरी और सबको बहुत वैलिडेशन मिल रहा है मगर पैसा कैसे बनेगा आ, बहुत बड़ा सवाल था मेरे सर पे और बहुत और मिडिल क्लास से आने से और जहाँ से जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही थी मेरी मदर और मेरे घर में आ, पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई घर से पैसा भेज रहा था या कुछ आ, वो था तो स्ट्रेस भी काफी है और पैसे को लेके काफी स्ट्रेस होने लगा प्लस uh, आप एक सेफ और जॉब कर रहे थे पैसा नहीं आया था शुरू करने के बाद uh, एक साल तक एक साल तक कोई पैसा नहीं आया नहीं, नहीं, नहीं। तो एक साल तक आपने कैसे सर्वाइव किया अपने पागल हो गई थी मैं क्योंकि पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था जिंदगी में एंड सेविंग था और ट्रेन से चलती थी जैसे आज अच्छे दुपट्टे पहने उस समय शॉपिंग कुछ भी नहीं किया एकदम एकदम इकोनमस जिंदगी उस समय जिया मैंने बट आई वॉन्ट टू कॉल दिस आउट कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड आई डिड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पैसे से नहीं आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक आग लगा होता है कि पैसा कमाना है राइट इट इज वेरी गुड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे घर से कोई एक रुपया नहीं भेजा ना था तो मेरे अंदर बहुत हमेशा था कि कुछ भी बिजनेस करूं तो पैसा खुद इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड इट शुड बी एबल टू मेक मनी किसी ऑन्टरप्रेनर ने जिसकी स्टोरी की थी मैंने श्रीला आई डुपल मुझे आज भी उसका नाम याद है वो कहा हाउ आर यू मेकिंग मनी मैंने कहा नहीं स्टोरी सुना रही तो वो तो नहीं, नहीं इतना अच्छा कर मैं पैसा आपको नहीं दे सकता क्योंकि अब मैंने कहा मुझे आपसे लेना भी नहीं है पैसा बट बोला उसने कि मैं आपको एक किसी इंसान से कनेक्ट करूंगा जिससे आई स्टिल रिमेम्बर उस आदमी का नाम बख्शीश दत्ता सन स्टार्टअप असेंशियल्स प्रोग्राम होता था सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी अब वो ऑरिकल ने खरीद ली है उसने मुझे एक फर्स्ट चेक ही गेव मी ऑफ वन लाख रुपीज टू रन अ प्रोग्राम कैंपेन Of ad uh, campaign ad campaign on ad, your website yes to get enroll people for sun startup essential program office वहां से कहानी शुरू हो गई आ, और आ, एक बात कहना चाह रही हूं कि हर साल हम profitable company रहे फंड रेज किया मैंने 2015 के आ, एंड में तो 15 से 17 तक हम नहीं प्रॉफिटेबल थे क्योंकि काफी एक्सपैंड किया बट वी वर प्रॉफिटेबल इवन इन पेंडेमिक और इस साल भी टचवुड रहेंगे तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ से आपकी रेवेन्यू आनी शुरू हुई yes. यानी अब आपको समझ आया कि अच्छा ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता yes. है यानी अपनी वेबसाइट पे एड्स रन करके तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि रेवेन्यू आपकी किस तरीके से रही ग्राफ क्या रहा जैसे पहले साल में कितनी रेवेन्यू थी फिर उसके बाद कितनी हुई कितनी हुई कितनी हुई, कितनी हुई? कैसे बढ़ी रेवेन्यू जहाँ पे हमने मैं सोचती हूँ कि मैंने डिसरप्ट किया मॉडल कि एड से पैसे नहीं कमाए क्योंकि एड जो होता है वो अगर देखिए तो उसके लिए सौ मिलियन एक बिलियन व्यूज और ये सब उससे स्केल का पैसा बनता है तो हमने मैंने देखा मैंने बी टू बी मीडिया बनाने बैकएंड मॉडल बी टू सी था स्टोरीज बट बैक एंड में मैंने कहा बी टू बी जिन सारे जो स्टोरीज कर रहे हैं उसमें काफ़ी डेटा और इंटेलिजेंस मिल रहा था एक कोट है ब्रेनेम ब्राउन कहती हैं स्टोरीज आर डेटा विथ सोल्स

बना थर्ड हम रिसर्च रिपोर्ट्स काफी निकालते हैं और ये सब करते हैं चौथा मैंने कहा न्यूज लेटर सब्सक्राइबर्स क्योंकि ये CEOs, ये टॉप सब तो मेलर्स भेजने के आप हाँ, पैसे लेते होंगे वो भी हाँ, है। वो होता होगा। uh, अभी वीडियो कैंपेन्स काफी करते हैं तो उसके लिए uh, आते हैं अगेन कॉपोरेट प्रॉपर्टीज बनाए जैसे मनी मैटर्स ये सब करके सीरीज हम चलाते हैं तो अब ये सब बहुत सारे यू नो वंस यू हैव द ट्रस्ट गुडविल ब्रांड डेटा एंड इनसाइट तो पैसा बन जाता है जी अब बताइए अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे जो भी अभी तक इन्होंने शेयर किया उसके बारे में हाँ आप आप बताइए इनको माइक दीजिए फोर्टीन इयर्स का जो आपका मतलब इतना टफ टाइम गया इसमें सारे ब्रेक थ्रूज थे तो मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होगा तो उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेटेड किया मोटिवेट दो चीज़ें दो चीज़ें uh, मुझे अभी अगर मैं आंसर करूं मुझे मोटिवेट uh, किया पहले तो ये नो बट आई हैव टू कॉल संदीप एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दैट टू मी ही इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी इन इट्स एंड वी आर ऑल्सो वेरी वेरी Proud, and I also think the consistency and the generosity with which he has conducted himself. And and that's very obvious, and that's why I think he has that kind of love which he gets. Thank you so much, but I was just kidding. <laughs> no. <laughs> no, but it's also <laughs> yeah. why are we hesitant to uh, not acknowledge good things in our country when we I see? Understand. And he's one of the good things about our country. The two things that helped me was, miranda Miriam, the failure. तो एक बार शुरू कर दिया तो मेरी माँ बहुत रोई थी पटना में मैंने जब कॉल किया था मेरी मदर को कि मैं छोड़ रही हूँ टीवी चैनल और ये तो वो रोने लगी एंड आई वॉज थिंकिंग कैसी पागल है कि ऑनटरप्रनर बन रही हूँ ये रो रही है तो कह रही थी बर्बाद हो गई हो तुम हमेशा से कुछ नहीं सुनती हो अभी इतना अच्छा जॉब था छोड़ दिया तो वो रोने लगी एंड मेरे अंदर एक वो डर था कि आई शुड नॉट डिसअपॉइंट माई मदर एंड द सेकेंड थिंग वॉज वेरी मैड अबाउट कि मुझे नेगेटिविटी मैंने मैंने बहुत जिंदगी में देखा है और झेला है आई रियली बिलीव पॉजिटिविटी इज़ अ हैबिट बींग पॉजिटिव इज अ एवरी डे हैबिट लाइक ब्रशिंग योर टीथ पॉजिटिविटी रिक्वायर्स एफर्ट और मैं बीच में मैदान छोड़ के भागने वाली नहीं थी क्योंकि लोग कह रहे थे पी आर आई सेड आज दिस इज़ नॉट पी आर दिस इज बींग यू नो एबिलिटी टू अप्रिशिएट ईच अदर तो वो भी एक जुनून था कि करना है एडिक्शन

आगे चल के अच्छी आइयत पे हंसे और कुछ अच्छे जोक्स पे हंसे बट यू हैव टू कम एंड स्टैंड ऑन द स्टेज इट इज़ अगेन एन एवरीडे हैबिट राइट जो भी अच्छे स्टोरी टेलर्स को ऑब्जर्व करो जो भी है संदीप को देखो यू नो दे डू मतलब इट डजेंट कम ओवर नाइट हर दिन वो आके खड़े होते हैं दूसरा मुझे लगता है अगर अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स पहचानना शुरू करोगे तो स्टोरी टेलर अपने आप, आ, और करो खड़ो स्टेज पे अपना मजाक उड़ाओ लोग ताली नहीं बजाय बट यूल गेट द तो गेम स्टोरी टेलिंग में क्या होता है जैसा की इन्होंने कहा की अपना मजाक उड़ाने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है यानी कि जो सच है जैसा है वैसा बोलने का दम रखो या क्योंकि अगर आप अपने आप को परफेक्ट दिखाओगे yeah. हमेशा तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो और एक्टर्स को कोई नहीं देखना चाहता इवन इफ इट्स अ मूवी मूवी आप एक्टर्स को देखने के लिए जाते हो या कैरेक्टर को देखने के लिए जाते हो yeah. तो आपको क्या करना होगा कि एक्टिंग नहीं करनी है जो एक्चुअल में जैसे हो जो हो बोल दो और वो ही चीज कनेक्ट करेगी एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग मतलब कि सामने वाला रिलेट कर सके वो रिलेट तभी करेगा जब आप बिना किसी फिल्टर के बोल रहे हो अंदर से जो हो जैसे आप ही उस जोन में चला जाएगा वो कहेगा अरे 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 मतलब एक ऐसी कहानी उसके माइंड में बिल्ड हो जाएगी अगर इफ यू टॉक अबाउट ग्रेट स्टोरी टेलिंग एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है विच इज लाइक फेक स्टोरी टेलिंग उसको आप सुनोगे पढ़ोगे और भूल जाओगे एक दिन में बट कुछ ऐसी कहानियां होती है जो अंदर टच कर जाती है मतलब याद रह जाती है जैसे अगर मेरी बात करी जाए तो मेरे दिमाग में एक मैंने बायोग्राफी सुनी थी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की hmm. वो कुछ टच कर गया था वॉज एन ऑनेस्टी इन अ ग्रेट स्टोरी टेलर तो बी ऑनेस्ट बी ऑथेंटिक किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो जो आपकी कहानी है जैसी कहानी है बिना ही सोचे कि हाँ उसका कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है वट एवर इट इज विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसम जैसे थैंक यू सो मच श्रद्धा जी यहाँ पर आने के लिए एंड इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू प्लेजर टॉकिंग टू यू और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनके एक्सपीरियंस से लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ फॉर हर